Darir Gami School, Arangi Town Campus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaise hain aap sab? Umeed aur dua hai ki aap sehat o iman ki behtareen halat mein ho. Allah taala hum sab ko apne hifz o aman mein rakhe. Amin. Pyare bachcho, ye aapki Urdu workbook hai. Urdu workbook mein hum kaam karenge. Kal humne Urdu ki किताब में काम किया था, आज हम वर्कबुक में काम करेंगे. प्यारे बच्चों, आपने अपना काम करना है साफ़ सुथरा और अपने काम को याद भी करना है, ठीक है? ओके, तो सफ़ा नंबर एक, हम नज़म. इमला के अल्फाज, आसमान, जहान, कब्ज़े, वास्ते, देखने. आपने इसी तरह नीचे लिखना है. मुनज़्ज़र अल्फाज को उनके मायने से मिलाएँ. बड़ाई अज़मत, बड़ाई अज़मत. बख्शना, मुफ्त देना. कब्ज़ा, इख्तियार, काबू. जुमले बनाएं. प्यास, जहान, आँख, नींद. मैंने बनाया है प्यास, मुझे प्यास लगी है. आप अपने तरफ से कोई से भी जुमले बना सकते हैं. सफ़ा नंबर दो, ज़मीनों आसमान का मालिक कौन है? ज़मीनों आसमान का मालिक अल्लाह ताला है. सवाल नंबर दो, मुश्किल में कौन हमारे काम आता है? जवाब, मुश्किल में अल्लाह ताला हमारे काम आता है. भूख और प्यास में कौन हमें खिलाता और पिलाता है? जवाब, भूख और प्यास में अल्लाह ताला हमें खिलाता और पिलाता है. सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर चार, अल्लाह ताला ने रात और दिन किस लिए बनाए? रात आराम करने के लिए और दिन काम करने के लिए बनाए. नज़म के अलावा अल्लाह ताला की दी गई बेहिसाब नेमतों में से पाँच के नाम लिखें. मैंने लिखा है पानी, बारिश, दरख्त, अनाज, पहाड़. आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन आपने नज़म में से ढूंढ कर लिखना है. ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़.